नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोरोना के भय से बीता यह साल समाप्त होने को हर साल की समाप्ति में याद आती पिकनिक स्थलों की। धनबाद के कई पिकनिक स्थलों पर प्राकृतिक वादियों में बसा तोपचाची झील भी एक पिकनिक स्थल है जो पर्यटन प्रेमियों को खूब आकर्षित करती है। तोपचाची झील पर धनबाद से चंदन पाल की एक विशेष रिपोर्ट। मैं पहली बार मम्मी पापा के साथ आए तोपचाची झील में। यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे, चारों तरफ पानी है। कभी वीकेंड में मौका मिला तो हम लोगों ने मतलब कहा कि चलो घूम के आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पारसनाथ मंदिर, जो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, जो यहाँ से दिख रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ की खासियत है जो यहाँ की झील, जो ये प्राकृतिक रूप से अपने आप से तैयार हुई है। यूट्यूबर्स के लिए लोकप्रिय स्थान है ये तो चाची लेक। आप देख रहे हैं यहाँ पर शूटिंग हो रहा है एल्बम का। यूट्यूबर्स के लिए अभी ये तो चाची लेक लोकप्रिय स्थान बन चुका है। आइए बात करते हैं इन यूट्यूबर्स से। आप लोग यहाँ शूट कर रहे हैं? जी हाँ। आप लोग क्यों शूट करना पसंद करते हैं? यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है और हरियाली बहुत मस्त है, एरिया भी मस्त है, बहुत मस्त है। शूट झारखंड की ये है हरी हरी वादियाँ, सुंदर वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, इसी का जीता जागता एक उदाहरण है हमारा धनबाद का तोपचाची लेक। ये धनबाद मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर अवस्थित है और ये NH-32 में, जब कोलकाता से आप दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से कोलकाता आते हैं तो बीच में आपका पड़ेगा ये तोपचाची लेक। मेन रोड NH-32 से, मेन रोड से आपको लगभग 500-600 मीटर अंदर घुसना पड़ेगा और ये लेक अवस्थित है। इस लेक की विशेषता है सभी लेक बहता हुआ पानी में बहता है, मैक्सिमम लेक जो डैम होते हैं बहता हुआ पानी में बहता है। जैसे धनबाद का माइथन डैम, तोपचा ये और पंचेत डैम, वो बहता हुआ पानी में बसा बनाया गया है, लेकिन ये झील का पानी में चारों तरफ देख रहे हैं पानी है। तीन तरफ इसका पहाड़ है और पहाड़ से जो पानी रिस करके आता है, झरना का पानी हो गया, बरसात का पानी हो, वही जल जमाव के कारण ये बना है तोपचाची लेक। ये प्राकृतिक रूप से ऐसे बनाया नहीं गया है, सिर्फ बांधा गया है लेक के रूप में। और आप देखिए इसके चारों तरफ रोड है, आप अगर एक छोर से जाते हैं तो घूमते फिरते आप फिर इसी जगह पर आकर के मिल जाएंगे, मतलब चारों तरफ इसका मार्ग बना हुआ है घूमने के लिए। पिकनिक के समय यह पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है, पर्यटन जितने भी पर्यटक आते हैं, और इसको डेवलप किया गया है, पर्यटन के दृष्टिकोण से डेवलप किया जा रहा है। पर्यटन जो कलकत्ता दिल्ली से जो आते हैं पर्यटक, वो यहाँ पर घूमते हैं, सैलानी यहाँ का आनंद उठाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, ये सभी संडे को सेलिब्रेट करने आए हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं यहाँ पर, घूमने आते हैं, प्राकृतिक जो दृश्य है उसका आनंद उठाते हैं।